नमस्ते मित्रों, निसर्ग ऑर्गेनिक फार्म में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं कैक्टस फ्रूट, मतलब जो फिनला रहता है उसका जूस कैसे बनाए, अपने घर पर उसका जूस कैसे बना सकते हैं। तो आप, हमने जो है वो फिनला लिया है, उसका जो है वो उसके जो कांटे रहते हैं वो निकाले, वो कैसे निकालने हैं आपको देखना है। तो आप जो आई बटन लगा हुआ है वहाँ क्लिक करेंगे तो उसके कांटे कैसे निकालना है और बाद में उसको कैसे जो है वो साफ करना है, वो सब बातें जो है वो आपको इसमें पता चल जाएगी। और आज जो है हम जूस कैसे बनाते हैं, उसका जूस जो है वो तीन प्रकार से अलग अलग निकाला जा सकता है, उसका मिक्सर में भी निकाला जा सकता है। उसके लिए जो नारंगी मौसमी जो निकाल मौसमी का जो जूस निकलता है वहाँ वैसे इस मशीन में भी इसका निकाला जा सकता है, लेकिन हर घर में जो है वो मशीन होता नहीं, इसलिए मिक्सर में कैसे निकालना है वो हम आपको बता रहे हैं। ये जूस कैसे पीना है, क्या पीना है, वो जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, ये भी हम इसको पकड़ सकते हैं क्योंकि हमने इससे जो है वो कांटे सभी निकाल दिए हैं। तो आप देख सकते हैं अभी इसको डालना है और आपको जो है वो इसमें पहले पानी डालना नहीं है, जैसे ही आपको जो है पैक करना है। ये देखो आप, आपका जूस जो है वो रेडी हो गया है। लेकिन अभी इसको हम छान लेंगे, छानना क्यों है, क्योंकि इसमें जो बीज रहता है ना वो अच्छे से निकल जाए, तो इसको हम अच्छे से छान लेंगे। देखो, हमने हमारा रस जो है वो पिन्ने का जूस जो है वो तैयार हो गया है। अब जो है वो उसमें हम जो है वो निसर्ग का ऑर्गेनिक का जो सास मसाला है, चाट मसाला, वो डालेंगे थोड़ा सा, वो उसमें टेस्ट में जो है वो बहुत बढ़िया है। और बाद में इसको जो है वो सुबह पी लेंगे। ये मीठा भी लग रहा है और चाट मसाला डालने से अच्छा भी लग रहा है, बहुत टेस्टी बनता है। इसको पीना कभी है, कब इसको पी सकते हैं, तो आप जो है वो सुबह सुबह उसको पी सकते हैं, वो सुबह पीना बहुत अच्छा है। और कितनी मात्रा में ले सकते हैं आप जो है वो एक दिन में एक से दो जो फ्रूट होते हैं वो ले सकते हैं, उससे ज़्यादा लेना नहीं है, क्योंकि ये गर्म प्रकृति का है। तो आपको ऐसे जूस बनाकर जो है वो अपने घर में आप पी सकते हैं, उसके साथ आपको कोई भी फ्रूट वगैरह सब इसमें डालकर रह सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो खट्टा फ्रूट है, नींबू है, मौसमी है, उसका रस जो है वो मिलाना नहीं है, उसका रस मिलाने से ये प्रॉब्लम करता है, मतलब ये फायदा नहीं करता है, नुकसान करेगा। तो ऐसे रस जो है उसके साथ मिलाना नहीं है, तो आप ऐसे इसको पी सकते हैं। नमस्कार।